गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जमनीलाल कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस को सीखेंगे। TDC पार्ट वन का एडमिशन 27 जून 2023 से 3 जुलाई 2023 तक महाविद्यालय में होगा। इसमें फॉर्म आपको जमा करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप जमनीलाल का ऑफिशियल वेबसाइट jlcollegehajipur.ac.in ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप एकेडमिक में जाएंगे, क्लिक ऑन द एडमिशन बटन। एडमिशन बटन क्लिक करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो आप एक नया अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करना है। अगर आपने अकाउंट पहले से बनाए हुए हैं तब आप लॉगिन करेंगे। एक मोबाइल नंबर और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से आपका एक ही अकाउंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। करने के बाद क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, ओके। यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग हमारा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एकेडमिक में जाएंगे, एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। बच्चे जो अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में या कहीं पर लिख के रख लेंगे, क्योंकि उनको जो 8 सेमेस्टर में पेमेंट का ट्रांजेक्शन करना है, हर ट्रांजेक्शन में यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड उन्हें काम आएगा। मेन स्ट्रीम में यूजी, इंटरमीडिएट वाले इंटरमीडिएट और यूजी वाले यूजी चूज करेंगे। स्ट्रीम कोर्स BA 4 ईयर्स। इस साल से आपका च्वाइस बेस्ड सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है और अब आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, जिसमें अगर कोई पर्सन 4 साल कंप्लीट करते हैं तब उन्हें ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ आप BA चूज करेंगे। सेशन में 23-27, सिलेक्ट हेड में आप चूज करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है कि आपको फोटो किस साइज का होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हर एक के लिए फी का अमाउंट अलग अलग है। जो प्रैक्टिकल पेपर हैं उनके लिए फीस का अमाउंट अलग है और जो आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है उनके लिए फी अमाउंट अलग है। प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपका फी अमाउंट 3,750 रुपीज़ है और जो प्रैक्टिकल पेपर नहीं है उसे 3,150 अर्थात 3,150 रुपया पे करना है। ये फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक वो फिल करेंगे स्टूडेंट्स। जिस पेपर का ऑनर्स पेपर है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब फॉर्म फिलअप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब आपका पेमेंट ऑप्शन खुलेगा। वहाँ वह स्टूडेंट आसानी से अपना पेमेंट करेंगे और उपयुक्त डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में वह जमा करेंगे, जिसमें उनका इंटरमीडिएट का मार्कशीट का जेरोक्स, CLC ओरिजिनल, माइग्रेशन अगर वो CBSE बोर्ड हैं, इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो प्राप्त कर जमा करेंगे और कॉलेज से रिसीविंग अवर्स वह प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।